आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर 6 देख रहे थे, है ना। चैप्टर 6 में जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ये हम देख रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, फैराडेज़ लॉ जो हिस्से में से रिलेटेड क्या होते हैं, है ना। और उसके अलावा जो है वो मोशनल ईएमएफ के माध्यम से किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और पावर वगैरह के लिए जो हमने फार्मूला है, ये सब हमने देख लिए थे। तो इसमें जो है आज हम आप टॉपिक में, है ना, देखेंगे ईडी करेंट्स, है ना। ईडी जो है ईडी करेंट्स हम देखते हैं। तो ईडी करेंट्स क्या होता है ना। ईडी करेंट्स क्या होता है कि यदि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यदि अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं, तो उसके मूवमेंट होने की वजह से उस कंडक्टर बॉडी के इनसाइड में भी जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो उसको स्लो मोशन में लाता है और धीरे धीरे जो है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। मैं तो ईडी करंट के लिए हम ये इस तरीके का जो है एक अरेंजमेंट हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि एस और एन जो है ये दो मैग्नेट हमने लिए हुए हैं, आपको ये मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एन से एस की ओर होता है। मान लीजिए इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। अब इसमें एक जो है ये हमने कंडक्टर बॉडी ले लिया है ना, कंडक्टर बॉडी या कंडक्टर जो है प्लेट मान लीजिए हमने ली हुई है। अब यदि अगर मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर रॉड को इस तरीके से मान लीजिए कि वी वेलोसिटी से इसको मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, वी जो है ये वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी से ये कंडक्टर रॉड जो है मूवमेंट करती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक, जो मान लीजिए हमने ये कॉपर प्लेट ली हुई है या एल्यूमिनियम प्लेट यानी कंडक्टर प्लेट ली हुई है, इसके अंदर जो है यानी इस पर्टिकुलर प्लेट में जो है स्पैरिकल टाइप के, जो है सर्कुलर टाइप के जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही होती है। और चूंकि ये खुद भी जो है एक जो है फेर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो इसकी वजह से इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, जो इसके जो है अपोजिंग इन नेचर होते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए इसका जब डायरेक्शन यदि अगर चेंजेस होता है, तो जो फील्ड है इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और उसके वजह से इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाती है, इस तरीके से ये रेस्ट में आ जाती है। तो ये जो है हमारा जो है आपका ये जो है एडी करेंट्स, इस तरीके से जो करंट डेवलप होता है स्पेरिकल टाइप का, जो करंट डेवलप होता है सर्कुलर टाइप का करंट जो डेवलप होता है, इसको हम ईडी करंट कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो ईडी करंट आपका ये डेवलप होता है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इसकी जो स्पीड होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड जो जितनी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से ईडी करंट भी उतनी ज़्यादा डेवलप होती है ना। और दूसरा ये जो हम यहाँ पे जो ये आप जो प्लेट देख रहे हैं, प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटा लेंगे एम इक्वल देन आई इंटू हम ए लेंगे, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक मोमेंटा ले रहे हैं एम इक्वल देन आई इंटू ए, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर, हम ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेट का जो एरिया होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो वेलोसिटी है उसके ऊपर इस तरीके से ये डिपेंड करेगा। और यदि अगर मान लीजिए ईडी करंट इस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई ईडी करंट्स को हम क्या करें, यदि अगर रिड्यूस करें, है ना, क्योंकि प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यदि अगर मान लीजिए हम इसको क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए हमें जो ये जो पर्टिकुलर जो प्लेट है इसको कैसा बनाना पड़ेगा, लेमिनेटेड टाइप का बनाना पड़ता है, लेमिनेटेड प्लेट बनानी पड़ती है, ठीक है भाई। तो आप इसमें जो दूसरा टाइप का जो फिगर देख रहे हैं, इसमें जो है ये जो प्लेट है, आप ये पहले जो आपने प्लेट देखा था, प्लेट जो है इस तरीके की बनी थी, है ना, और उसके बाद में ये वाली प्लेट जो है ये हमने कैसे बनाई है, लेमिनेटेड बना दी है। लेमिनेटेड बना इसलिए बना दी है ताकि ईडी करंट का इफेक्ट कम हो, क्योंकि मैग्नेटिक जो मोमेंटा होता है आई इंटू ए होता है। तो यदि अगर ए को हम यदि अगर रिड्यूस कर देते हैं, है ना, तो इसको जो प्लेट को ये पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से यदि अगर पार्ट में
डिवाइडर यदि अगर कर देते हैं तो उस केस में जो ईडी करंट से इसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रॉड काफ़ी देर तक जो है ये जो है ये पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर सकती है, ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि जो इसकी स्पीड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है ये जो है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अपोजिंग इन नेचर में जो ईडी करंट्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, ये डिपेंड हो जाएगी प्रोपोर्शनल ये जो हीट जनरेशन होगा, जो हीट जनरेशन होगा इसमें उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसमें हीट जनरेशन हो सकता है। तो ये जो है एनर्जी जो है ये जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में डिपेंड करेगा, है ना, जूल हीटिंग इफेक्ट जैसा अपन समझते हैं इसके जो है ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो इसमें हम ऐसा देखते हैं कि ईडी करंट जो है नॉर्मली जब ईडी करंट जनरेशन हो रही है कि जब कोई भी कंडक्टर बॉडी जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और मूवमेंट यदि अगर कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो जो करंट उसमें डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से जो है ये वो डैम्पिंग कर देता है या स्लो कर देता है। तो इसी के बेस पे जो है ईडी करंट के कुछ जो है यूजेस किए जाते हैं, जो अपोजिंग इन नेचर होता है या हीट जनरेशन होता है इसी के आधार पे जो ईडी करंट्स के यूज़ होते हैं। तो ईडी करंट्स के यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो मैग्नेटिक जो ब्रेकिंग ट्रेन में होता है, जो फास्ट ट्रेनें होती हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो रखे हुए रहते हैं और है ना अबव द रेल्स होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो पावर ट्रेन होते हैं जब वहाँ से उसमें जब उसको ब्रेक लगाना होता है तो उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है डेवलप करते हैं, तो ईडी करंट जो है वो रेल के साथ अपोज करती है और वो जो है स्लो आ जाती है, और इस तरीके से मैकेनिकल जो है लीकेज भी इसमें नहीं होगा, ऐसा ही होता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे जो है गैल्वेनोमीटर आप देखते हैं वो देखते हैं आप, जैसे कि दो पहले भी आपने देखा हुआ था कि जो एक दो मैग्नेट होते हैं मैग्नेट के बीच में इलेक्ट जो है वो कॉइल रखी हुई रहती है और जब जब हम उसको करंट देते हैं तो उसको क्या होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रोड आता है और उसके वजह से वो वापस अपोज करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो है आपका एक डायग्राम जो है ये है जो मैग्नेटिक जो ब्रेक लगते हैं, तो इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए ये जो रेल की पटरी जो है रेल की पटरी इस तरीके से शो कर रहे हैं और इसमें जो है ये जो व्हील है मान लीजिए व्हील के साथ यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये लगे हुए रहते हैं, तो जब यहाँ से करंट दिया जाता है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और इसके साथ में ये रेल जो रहता है तो ये कंडक्टर बॉडी इस तरीके से मूवमेंट करती जाएगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रेल होते हैं उसमें जो है ईडी करंट डेवलप हो जाएगा और इस तरीके से ये धीरे धीरे ये जो है स्लो मोशन में आ जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये दूसरा व्यू देख रहे हैं जो ओरिजिनल जो आप रेल देखते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए यहाँ पे आपने व्हील लिए हुए हैं और ये जो है ये सिस्टम लगा हुआ लगे रहता है ना, ये जो है मैग्नेट डेवलपमेंट करने के लिए, तो जब यहाँ से यदि अगर ब्रेक लगाना होता है तो उस दौरान क्या हो जाता है कि इसमें से करंट देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है और ये रेल के साथ में रहता है और ये मूवमेंट करता हुआ रहता है ना, तो उसके वजह से क्या होगा ये धीरे धीरे जो है ये स्लो मोशन में आने लग जाते हैं, है ना, ये ब्रेक के साथ में ये अटैच होता है और जो इसके मोशन का अपोज करता है। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है। ऐसा ही सेकंड जो है आपका ये जो इंडक्टेंस फर्नेस है ना, इंडक्टेंस फर्नेस जो है उसमें ईडी करंट का यूज़ होता है, इंडक्टेंस फर्नेस। तो इंडक्टेंस फर्नेस के जरिए जो है जैसे आपके पर्टिकुलर जो मेटल्स है ना ओर ले सकते हैं या मेटल्स होते हैं उनको हम मेल्ट इसमें कह सकते हैं। तो इंडक्टेंस फर्नेस कैन बी यूज टू बी प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, इनके जरिए हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर एलॉय, जो एलॉय होते हैं उनको हम मेल्टिंग कर सकते हैं टू कंस्टिट्यूट जो मेटल्स में।
तो इसके लिए क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट ये पास करेंगे एक कॉइल के थ्रू, ठीक है भाई। तो ये कॉइल के थ्रू जो है ये हाई अल्टरनेटिंग ये बने हुए रहता है, इसके थ्रू यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। और भी तो इसके बाजू में जो भी ये मेटल रहेगा, ये हीटिंग इफेक्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, ये वहाँ से जो है ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ईडी करेंट्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, है ना, जो हीट जनरेशन होता है उसके जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे जो है ये हीट प्रोड्यूस हो जाता है, और इस तरीके से उसके अंदर में जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो इसका रियल मैकेनिज़्म तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम जो है यू उसके फॉर्म में आप समझ सकते हैं, और यूज़ जो है आपको पूछा जाता है कहीं भी, ठीक है भाई। इसका जो फोर्थ वाला यूज़ है वो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, मीटर के रूप में यूज़ है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर कैसे होते हैं कि आप देखते हैं जो पर्टिकुलर मीटर होते हैं, मीटर के साथ में इस तरीके से आप एक देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जो सर्कुलर ये घूमते रहता है, शाइनी मेटल डिस्क को घूमते रहता है। तो क्या होता है कि उससे होके जब ये करंट जो है पास होगा तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, ये जो जो पर्टिकुलर मोमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो जो डिस्क होती है वो जो है ये घूमेगी रोटेट ड्यू टू जो ईडी करंट, ये करंट देते हैं और करंट देने की वजह से ईडी करंट जनरेट होता है और वो घूमता है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट टू इंड्यूस इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसमें जो पर्टिकुलर रीडिंग लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो ये हीट जनरेशन के बराबर होता है, हमें मालूम है ना। तो जितना हीट जनरेशन होगा उसके आधार पे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये हम देखते हैं किलोवाट आवर में जो आता है उसको, है ना, 1 यूनिट के इक्वल हम जो है लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से इनके ऐसा नहीं है कि ईडी करंट का जो है केवल जो है वो केवल नुकसान ही होते हैं, बल्कि उसके जो है कुछ ये एडवांटेज और बहुत सारे फायदे भी अपन इसमें देखते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसका जो टॉपिक है ये है इंडक्शन, इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है भाई, और दूसरा वाला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है भाई। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यदि अगर हम बात करते हैं तो यदि अगर कोई भी एक कॉइल है, मान लीजिए यदि अगर एक कॉइल ये यहाँ पे इस तरीके से ली हुई है, और उससे होके यदि अगर करंट, मान लो उससे होके यदि अगर करंट आई, यदि अगर फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के अंतर्गत होगा। और यदि अगर मान लीजिए एक के साथ में दूसरी कॉइल भी यदि अगर उसके पास में यदि अगर अटैच है मान लीजिए, और इस कॉइल की वजह से इसमें भी यदि अगर किसी के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो ये कहलाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले जो अपन सेल्फ इंडक्टेंस के लिए देखते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, और दूसरा है जो इसका कांस्टेंट वगैरह है वो क्या होते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए हमने एक इस तरीके से कॉइल ले ली मान लो, और कॉइल से होके जो है करंट होगा, अब चूंकि जितना यहाँ से करंट यदि अगर मिलता है ना, उतना ज़्यादा जो है इसके जो है फ्लक्स में चेंजेस हो जाएगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग जो ये ले रहे हैं, है ना, जो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा या जो फ्लक्स इसमें जो चेंजेस हो रहा, फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, है ना, फ्लक्स थ्रू ए कॉइल जो हम लेते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए फ्लक्स का फाई कह रहे हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के, जो करंट उसमें से पास हो रहा इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ से ये साइन हटा देते हैं, बहुत इजी है, साइन यदि अगर हटा देते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा एल और आई। तो यहाँ पे जो ये जो एल है, एल बराबर हम चाहो तो फाई बाई आई भी लिख सकते हैं, और ये जो एल है ना, ये एल क्या कहलाता है, ये हमारा
सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है बे। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस जो हमको मिलेगा इसको हम कांस्टेंट कहते हैं सकते हैं, ठीक है बे। तो ये हमें मिलेगा। और यदि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न यदि अगर एन है तो एन जो है इसके साथ नंबर ऑफ टर्न एन जुड़ जाएगा, और जो कि करंट आई के प्रोपोर्शनल अपन ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम जो है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इसको जो है बता सकते हैं। और यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी मीडियम में यदि अगर रखा हुआ है एयर को छोड़ के, तो म्यू आर और उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ऐसा ही जो है हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी बता सकते हैं कि यदि अगर मान लीजिए दो कॉइल यदि अगर आपस में लगी हुई है, और एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के यदि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि अगर चेंजेस होता है तो वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है भाई।